और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, 11 साल पहले मिले जयपुर को उन तमाम जख्मों पर आज मरहम लगता हुआ नजर आया, जब जो मांग की गई थी जयपुर वासियों की ओर से, उन परिवारों की ओर से जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। 11 साल पहले 2008 में जो हुआ, मानो अब ऐसा लग रहा है कि उस दर्द पर, उस जख्म पर मरहम लगा दिए हैं कोर्ट के इस आदेश ने। बिल्कुल पूजा, ये सही बात है कि करीब 11 साल के लंबे अंतराल के बाद आज जब कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी लगाई तो जयपुर में खुशी का माहौल है जी। और लोग अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर जहाँ विस्फोट हुआ था, कुछ युवा जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी पूरे राजस्थानी परंपरा आतिशबाजी के साथ इस खुशी का इजहार किया है। और आइए इनसे बात करते हैं जी, आज कोर्ट ने जो सजा दी है उसको किस मायने में देखते हैं आप लोग? जिस तरीके से 11 साल बाद में आज डिसीजन आया है और उन चारों आतंकवादियों को मौत की सजा, फांसी की सजा दी गई है, जयपुर वासियों में खुशी की लहर है। और जो परिवार इसमें दुखी, जिनको दुख पहुंचा था, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई थी, उन परिवार के साथ हमने मिलकर आज यहाँ पे आतिशबाजी का कार्यक्रम किया और आतिशबाजी करके जयपुर के अंदर हमने एक अच्छा माहौल, जो आज जिस तरीके से संदेश गया है और जिस तरीके से न्यूज आई है कि चारों को फांसी की सजा, उसके बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है और जो हम लोगों ने भी इतनी खुशी हुई है कि मतलब मैं दिल से बता नहीं सकता कि हमने 11 साल जिस चीज का इंतजार किया और आज उसका डिसीजन आया है, तो बहुत खुशी की बात है कि अब इतना सालों बाद एक डिसीजन बहुत अच्छा। अब क्या कहना आपको आज जो ये आरोपियों को फांसी हुई, आगे किस तरह के हादसे नहीं हो? देखिए, हमारे देश के कानून में देरी हो सकती है लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। जिस तरीके से आज 11 साल के बाद में जयपुर की जनता को, जिस प्रकार से हमारी देश की न्याय ने उनको राहत दी है, उन चार दरिंदों को जो फांसी दी है, ये पूरी खुशी की लहर पूरे जयपुर वासियों में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर देखी जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि इन चार दरिंदों को फांसी की सजा मिली है और इससे भी बदतर कोई सजा मैं नहीं मानता इस देश के अंदर होगी। और जो इस देश के अंदर जिस प्रकार की ये हरकत करते हैं, हमारे देश के अंदर आकर के बम विस्फोट करते हैं और जो कन्याओं के साथ में, हमारी देश की बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं, उन दरिंदों के साथ में यही सजा होनी चाहिए। हमारे देश के कानून में हमारे हम भारतीय होने को हमारे को पूरा गर्व है कि आज उनको इस तरीके का जो अंजाम हुआ है, हर किसी जो इस तरीके की हमारे देश के अंदर कटुघात करता है उनकी सजा सिर्फ यही है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि ऐसा समय का हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे और मैं नहीं, मेरे हिसाब से हर भारतीय जिसने इस पीड़ा को सहन किया है या इस दुख के गुजरा है, उसको बहुत इंतजार था और बहुत अच्छी सजा सुनाई गई है। मैं चाहता हूं इससे भी ज्यादा कोई कठिन सजा हो सकती है तो वो जरूर मिलनी चाहिए। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आतंकियों का कोई भी चीज यहां पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हिंदुस्तान है, इस सरजमी में पैर रखने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप बताएं कि आज जो सजा हुआ है, लोगों को फांसी लगी है, ये सजा बहुत कम है ऐसे दरिंदों के ऊपर में, तो इससे कहीं ज्यादा और कठोर सजा मिलनी चाहिए जिससे आम जनता देख सके। जो शासन दुबई के अंदर में होता है, साउथ कंट्रीज के अंदर में होता है, उस तरीके की आम जनता के सामने में ऐसी सजा मिलनी चाहिए तो जिससे आदमी दोबारा करने से पहले 4 बार सोचे कि मैं ऐसी दरिंदगी करूं या नहीं करूं, ऐसे गलत काम करूं या नहीं करूं। देशद्रोहियों का तो इससे मेरे मानना ये बहुत ही ज्यादा कम सजा है ये। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे उत्साह का माहौल है, जो जयपुर के गुनाहगार हैं उन्हें आज जो फांसी दी गई है उसको लेकर, और अब लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के आगे भी कोई हादसे नहीं हो, इसको लेकर ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था जी। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा सबक यहाँ पर होगा और जो दहशतगर्द इस तरह के मंसूबे पाले बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सख्त संदेश भी होगा, एक मैसेज भी होगा कि अगर इस तरह की किसी भी हरकत को आने वाले समय में कोई भी दहशतगर्द अंजाम देता है तो इस तरह का अंजाम जो कि इन चार लोगों का हुआ है, वही यहां पर उन लोगों का भी होगा जो इस तरह की हरकतों को, जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विष्णु आपका। आगे बढ़ते हैं, फैसला आने के बाद आशीष चौहान ने छोटी चौपड़ से जो हालात है वहां पर देखा, इसके साथ ही लोगों से भी जाना कि क्या वो इस फैसले से संतुष्ट है, ये देखिए आप।
चारों आतंकियों को फांसी की सजा सुनाने के बाद में जयपुर ने राहत की सांस ली है और हर जगह खुशी मनाई जा रही है। मैं इस वक्त छोटी चौपड़ पर मौजूद हूँ जहाँ पर बम धमाके हुए थे और उस बम धमाके के बीच में कई लोगों की जाने गई थी। यहाँ पर छोटी चौपड़ जो कि जयपुर का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है और यहीं बम धमाके हुए थे। ये देखिए फूलों की दुकान भी कुछ उसी वक्त ऐसे ही दिखाई दे रही थी, लेकिन फूलों के खंधे में जो है बम लगाया गया था जिसके बाद में कई लोगों की जाने गई थी। और उस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो शख्स यहाँ पर मौजूद थे और इन्हें भी छर्रे लगे थे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि उस टाइम मंजर कैसा था और आपके भी जो है घायल हुए थे, आपके भी छर्रे लगे थे? उस टाइम बड़ा भयानक मंजर हो गया था। यहाँ पे जब वो बम विस्फोट हुआ था तो वो गाड़ियाँ उछल गई थी और आदमियों में बहुत तगड़ी दहशत फैल गई थी, बागाटोली मच गई थी चारों तरफ और मैं पूरी तरह से घायल हो गया था। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक मैं आया, पूरे खून में हो चुका था मैं उस टाइम पे। फिर एक टैक्सी वाले ने मुझे पटक किया और सीधे SMS लेके गए। वहाँ का मंजर देखा, वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे और मैं खूनों ही खूनों में लटपट वहाँ SMS में पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, फांसी की सजा उनको मिल चुकी है और भी यहाँ पर दुकानदार है। क्या लगता है आपको, लगता है कि जयपुर के गुनहगारों को आज फांसी की सजा दी गई है? जरूर मिलनी चाहिए उनको फांसी की सजा। देरी हुई है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? काफी देरी हुई है, काफी देरी हो गई, 11 साल लग गए उसको। जल्दी उसी दिन फांसी लग जानी चाहिए जिस दिन पकड़ा था उनको, उसी दिन फांसी लग जानी चाहिए क्योंकि बहुत। देखिए कुछ जयपुर का मंजर कुछ इसी वक्त देखने को मिल रहा था और कुछ इसी तरह से फूलों की दुकान सजी हुई थी और यहीं पर लोग जो है फूलों की मालाएं लेकर हनुमान मंदिर तक पहुंच रहे थे और दूसरे मंदिर में पहुंच रहे थे। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। वही हमारे सहयोगी आशीष हनुमान मंदिर भी गए फैसला आने के बाद। क्या था वहां का नजारा आप भी देखिए। 11 साल 7 महीने और 7 घंटे के बाद में जयपुर के गुनहगारों को सजा मिल गई है। 4 आतंकियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और इसके बाद में हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर बम धमाके हुए थे। देखिए ये चांदपुर हनुमान मंदिर है, यहीं पर बम ब्लास्ट हुए थे और उस वक्त जो रामोतर नाम के शख्स थे वो यहां पर इसी तरह से फूल बेच रहे थे और उनके बेटे कमल जी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखेंगे। कमल जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कमल जी, चारों आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, शायद आपके पिता फिर से अब लौट के नहीं आ पाएंगे, लेकिन फांसी की सजा सुनाई है, आपके दिल को जो है थोड़ी बहुत राहत की तसल्ली जरूर आज मिली? खूब तसल्ली मिली आज हमारे को, लेकिन उन्हों को फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए, हम ये चाहते हैं। फांसी में देरी भी हुई है, काफी देरी हुई है, 11 साल बाद फांसी की सजा सुनाई है, इन लोगों को पहले से डायरेक्ट ही फांसी लगा देते हैं। कई महीने में मानो तो दिवाली के बराबर का ही दिन ही मानते हैं, तो आज जो इन 4 लोगों को फांसी हुई है ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात है और इसमें हम न्यायालय का स्वागत करते हैं। इतना बड़ा एक मैं कहूँगा कि इतना बड़ा हत्या होना बहुत बड़ी चीज थी, इसका तो तुरंत प्रभाव से या 3 या 6 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, उनके सामने था सब कुछ। ठीक शाम के 7:15 बजे थे, आरती का समय था, अचानक से एक धमाका हुआ और फिर कुछ देर समझने बैठने के बाद में जब रोड पे देखा तो कई लोग गिर पड़ते नजर आए। उस समय करीब से ये मानो आप जब समझ बैठी और बात हुई तब यहाँ 25 लोग मारे जा चुके थे, 60 से 65 लोग घायल हो चुके हैं। कि बिल्कुल उस आतंकी हमले के निशान भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छर्रे आए थे आतंकी हमले के, जिस तरीके से यहाँ पर निशान जो है वो आज यही बताते हैं कि कितना भयानक यहाँ पर मंजर देखने को मिला था। और चांदपुर हनुमान मंदिर भी ये देख सकते हैं कि चांदपुर हनुमान मंदिर के अंदर ही लोग जो है दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए थे, हजारों की तादाद में भीड़ थी। मंगलवार का वक्त था, शाम के 7 बजे हुए थे, लेकिन अचानक से धमाके के बाद में पूरा जयपुर दहल गया था। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों को लेकर कोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वागत किया।